दोस्तों, यदि आप मौसम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को जानने में रुचि रखते हैं तथा आपकी इच्छा मौसम की पूर्वानुमान लगाने में है, तो आप मेट्रोलॉजिस्ट के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि मेट्रोलॉजी यानी मौसम विभाग क्या होता है, मेट्रोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं, इसके लिए कौन कौन से कोर्स होती है तथा इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं, और साथ ही हम लोग जानेंगे कि आप किस प्रकार से सरकारी संस्थान में मौसम वैज्ञानिक बन सकते हैं। इसके अलावा अंत में हम लोग भारत के सबसे अच्छे कॉलेज कौन से हैं जहाँ मौसम विज्ञान से संबंधित कोर्स करवाए जाते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी क्षेत्र में करियर बनाने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि मौसम विज्ञान क्या होता है। मौसम विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी यह आयुमंडलीय विज्ञान का एक उप विषय है जो मुख्य रूप से मौसम की प्रक्रियाएं एवं पूर्वानुमान पर केंद्रित होता है। इसमें जलवायु और मौसम दोनों को शामिल किया जाता है। मौसम विज्ञान में पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक एवं रासायनिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। इसका मुख्य जिम्मेवारी मनुष्य के लाभ के लिए मौसम की स्थिति के बारे में पूर्व अनुमान लगाना तथा उसका व्याख्या करना होता है। अगर आप मौसम वैज्ञानिक यानी मेट्रोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको मौसम विज्ञान से संबंधित कोर्स करने होंगे। चलिए जानते हैं कि मौसम विज्ञान में कौन कौन से मुख्य कोर्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स को देख लेते हैं। तो आप BSc इन मेट्रोलॉजी कर सकते हैं। इस कोर्स की समय अवधि आपकी 3 वर्ष की होती है। इसमें नामांकन करवाने के लिए अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता BCM विषय में 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा आप एटमोसफेयर साइंस में BTech भी कर सकते हैं। इस कोर्स की समय 4 वर्ष की होती है। इसमें नामांकन करवाने के लिए अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के साथ PCM में 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसमें नामांकन प्रक्रिया की बात करें तो नामांकन प्रक्रिया मुख्य रूप से मेरिट या फिर एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होती है। इस क्षेत्र में होने वाले प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम आपका GMains और GAdvanced तथा KEAM है। आप इस क्षेत्र में मास्टर लेवल के भी कोर्स कर सकते हैं। मास्टर लेवल के कोर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो मेट्रोलॉजी में MSc करवाए जाते हैं। समय अवधि आपका 2 वर्ष की होती है। इसमें नामांकन करवाने के लिए अभ्यर्थी को 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में BSc उत्तीर्ण होनी चाहिए। वहीं आप मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में MTech कर सकते हैं, जिसकी समय अवधि आपकी 2 वर्ष की होती है। इस कोर्स में भी नामांकन करवाने के लिए आपकी शैक्षणिकता संबंधित में स्नातकोत्तीर्ण होनी चाहिए। इसमें नामांकन आपका GATE के वैलिड स्कोर के आधार पर होती है। इन सब कोर्स के अलावा कुछ शॉर्ट टर्म के कोर्स भी अवेलेबल है इस क्षेत्र में। दोस्तों, अगर आप मेट्रोलॉजी जैसे अन्य करियर ऑप्शन जैसे इन्वायरमेंट साइंस, आपदा प्रबंधन इत्यादि के बारे में जानने में इच्छुक है तो इन ऑप्शंस की वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में कौन कौन से पद आते हैं और किस विभाग में नौकरी मिलती है। तो मेट्रोलॉजी से जुड़े व्यक्ति को औद्योगिक मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री, भौतिक मौसम विज्ञान के रूप में भारतीय मौसम विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट DRDO, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, भारतीय वायुसेना, इसरो, कृषि विश्वविद्यालय में कार्य करने का मौका मिलता है। इसके अलावा भारत सरकार के अधीन मौसम वैज्ञानिक यानी मेट्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं। सरकारी विभाग में मेट्रोलॉजिस्ट पद में आने के लिए छात्रों को कर्मचारी चयन आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल होना होता है। यदि आप UPSC या SSC द्वारा मौसम विज्ञानी के लिए होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्षेत्र में जुड़े कुछ तो आपको इन पुस्तकों से कुछ सहायता मिल सकती है, जैसे मौसम और जलवायु के मूल सिद्धांत रॉबिन मैकलविन, मौसम विज्ञान की शब्दावली टॉड एंड ग्लिकमैन, मौसम जलवायु और पर्यावरण का परिचय डोनाल्ड अहसेस, वायुमंडलीय विज्ञान जॉन एम वालेस। आइए अब जानते हैं सैलरी के बारे में। तो विभिन्न क्षेत्र में मौसम विज्ञानी को एक संतोषजनक सैलरी प्राप्त होती है। प्रारंभ में मेट्रोलॉजिस्ट एवरेज सैलरी आपका 47,500 रुपये तक होती है, जो एक्सपीरियंस और प्रमोशन के साथ बढ़कर 72,500 तक पहुंच जाती है। अगर आप मेट्रोलॉजी से जुड़े कोई कोर्स करना चाहते हैं तो भारत में कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं जहां से मेट्रोलॉजी के क्षेत्र से डिग्री एवं मास्टर डिग्री कोर्स होते हैं, जैसे IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IISc बेंगलुरु, कोचिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी केरला, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची इत्यादि। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो के माध्यम से मेट्रोलॉजी में करियर के बारे में जान गए होंगे तथा मेट्रोलॉजिस्ट कैसे बने इसके बारे में समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक एवं शेयर कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अगले वीडियो में एक नए जॉब ओरिएंटेड कोर्स के साथ, एक नई जॉब रिव्यू के साथ, करियर गाइडलाइन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।